सो गाइस अनदर डे गुड मॉर्निंग। और ये जो होटल है द रेनेसांस होटल, ये सोनवर एक एरिया है, सोनवर NH1A सोनवर श्रीनगर। ये सब जगह से आर हटा दिया इन्होंने, एनेसेंस हो गया है, अब पता नहीं इसके पीछे क्या है, जो भी है। हाँ, गो आई वी वो से कराया था मैंने, और डल लेक से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ आई थिंक 3-1 किलोमीटर है, और 1100 रुपये का पड़ा था मेरे को। कल मैंने हैंड मूवमेंट पे कराया था जब, तो रूम अच्छा है, नो डाउट, सर्विस अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, लोग अच्छे हैं, और या दैट्स इट। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बस लेफ्ट तो यहाँ से है अपना घर और राइट से है डल लेक, तो मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा डल लेक दिखा दूँ। कल रात को तो आपको दिखा नहीं पाया, तो चलो आपको थोड़ा डल लेक दिखा देता हूँ। श्रीनगर तक आया हूँ और आपको डल लेक ना दिखाऊँ, क्या फ़ायदा, नहीं थोड़ा सा लेट तो हो जाऊँगा, पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और मैं पहुँच गया हूँ डल लेक पे। ये लेफ्ट हैंड साइड्स पे आप बोट्स देख सकते हो, हाउस बोट्स, यहाँ पे शिकारा राइड, राइट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ होटल्स हैं जो डल लेक फेसिंग है। डल लेक तो बहुत बड़ी है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है और फिर आगे जाके थोड़ी बहुत वाइड हो जाती है। तो कल जो मैं देख रहा था हाउस बोट्स के रेट्स, मतलब लास्ट मोमेंट पे जो डील होती है, मतलब 1200-1300 रुपये से मैं मिल रहा था हाउस बोट्स का मेरे को, पर हाउस बोट्स में थोड़ा सामान और बाइक का पार्किंग का थोड़ा सा मेरे को लगा, इस वजह से मैंने लिया नहीं। यहाँ पे कुछ होटल्स भी हैं जो डल लेक फेसिंग है, एक दो बार रुका हूँ मैं इनमें, तो ओके हैं। तो बस मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूँ और एक आधी फ़ोटो खींच लूँ। है ना ब्यूटीफुल, सुपर्ब, ऐसी बात नहीं है, मतलब पैंगोंग भले ही कितनी अच्छी हो, अपनी डल लेक भी कम नहीं है किसी से व्यूज़ में। वाह, ये ब्यूटी है। अभी जब सन प्रॉपर निकला हुआ होता है ना, तो थोड़ा सा वाटर का शेड बदल जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सनसेट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, सनसेट के टाइम आ सकते हो, छोटी छोटी शिकारा घूम रही होती हैं, बड़ी अच्छा, फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू, ये बस नज़ारा मेरे को आपको दिखाना था घर जाने से पहले, मैंने कहा श्रीनगर आया हूँ तो आपको एटलीस्ट डल लेक तो दिखा दूँ। चलो ओके, बाय बाय, लेट्स गो। थोड़ा भी बादल ज़्यादा है ना, अब जब थोड़ा सा, पता नहीं आपको शायद पहाड़ दिख रहे हो बादलों में छुपे हुए, थोड़ा सा क्लियर होता है तो चारों तरफ पहाड़ होते हैं और बीच में ये लेक है, और सर्दियों के टाइम उन सब की चोटियों पे सब पे बर्फ़ होती है, एकदम एपिक होता है, एपिक मतलब। अभी बस निकलता हूँ, अब मैं क्विकली, अब गाइस थोड़ा सा फिर से अगेन थोड़ा सा खींचूँगा बाइक, माइट भी थोड़ा कम मिलूँ आपसे रास्ते में, और कहीं भी अगर कुछ ब्यूटी होगी या कुछ बढ़िया होगा तो ज़रूर कैमरे से ऑन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। तो गाइस इसको अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले मैं आया था, तो यहाँ से जब वो श्रीनगर में बाईपास ले लिया था उस साइड चला गया था, और इधर श्रीनगर के अंदर से, तो अभी मैं अंदर से आया हूँ, और जब आप उधर से आओ तो आप लेफ़्ट ले लोगे तो बाईपास होते हुए आप, वो रास्ता है जिससे आप डायरेक्ट सोनमर्ग जा सकते हो, शहर के अंदर नहीं आपको जाना पड़ेगा टाइप। तो फुल चेकिंग है चप्पे चप्पे पे, जैसे मैंने आपको बताया आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस हैं, जस्ट टू टेक केयर की सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एनीवे आप इंजॉय करिए व्यूज, क्योंकि अब आ गया है सुपर हाईवे श्रीनगर टू कहीं भी टनल तक, शायद है टनल से थोड़ा पहले तक, पर भाई क्या हाईवे बनाया है, एकदम कम नहीं है किसी हाईवे से। और बेस्ट पार्ट क्या है, इस हाईवे के साथ ब्यूटी भी है, बाकी तो सब हाईवे हैं, इसमें ब्यूटी भी है। एक बहुत अच्छा हाईवे जिसे मैं स्टार्टिंग में बहुत बार गया था कॉलेज डेज में,
जो बॉम्बे टू पुणे हाईवे है, सुपर एक्सप्रेसवे, ओ बाय गॉड, वो भी क्या व्यूज़ हैं उसके, खतरनाक। और वो तो मतलब सुपर हाईवे है, मतलब सुपर एक्सप्रेसवे है, तो उस पर तो टू व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है, थ्री व्हीलर्स अलाउड नहीं है, दैट टाइप। पर व्यूज़ उसके भी अमेजिंग है। और कश्मीर कश्मीर है कि नहीं? अभी देखो सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं पर वो छुपे हुए हैं बादलों में। अगर थोड़ा सा क्लियर हो तो सोचो, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ी सी लाइंस दिख रही हो पहाड़ों की। है कि नहीं ब्यूटीफुल? आई थिंक ये गेहूं लगा हुआ है अभी, गेहूं, हाँ गेहूं ही है, और पक रहा है अभी धीरे धीरे, अभी पका नहीं है, आई थिंक अभी एक दो महीने लगेंगे या दो तीन महीने, जो भी है। तो ब्यूटीफुल येलो शेड्स देन ब्लू, सुंदर है कश्मीर। नहीं भाई, बहुत टाइम बचा है, ये जो पूरा हाईवे बन गया है ना, इससे तो बहुत टाइम बचा है। मतलब मेरे हिसाब से तो कम से कम नहीं तो एक दो घंटे कम पड़े होंगे प्रॉपर, ये जो हाईवे बन गया है। आई थिंक ये कांजीकुंड तक शायद, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शायद वहीं तक है ये। आई वॉज स्टक यहाँ पे, कैसे भाई? मेरी मोटरसाइकिल गिर गई, मैं घर से निकालने की कोशिश कर रहा था, फिसल गई, अंदर चली गई। तो गाइस छोटी सी मैंने गलती करी थी, ऐसी गलती मत करना। ये ट्रक खड़ा हुआ था, यहाँ मिट्टी थी, मेरे को लगा निकल जाएगी, पर यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी थी और वो पूरी स्लिप हो गई। बाई चांस अगर रात को फंसा होता तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता, क्योंकि दो जेंटलमैन थे बहुत अच्छे, स्कूटी पे जा रहे थे, तो दे हेल्प नहीं यहाँ से निकालने को, पूरी स्लिप होकर अंदर ही चली गई थी। कभी कभी स्टुपिडिटी मैं भी कर देता हूँ, सो दैट्स अ रियलिटी चेक, सो डोंट डू इट, आप भी मत करिएगा इधर अगर ऐसा हो तो। सो ये भाई साहब थे, इन्होंने मेरी हेल्प करी बहुत, थैंक यू वेरी मच। कश्मीर की ट्रेन, तो मैंने क्लाइम स्टार्ट कर दिया जवाहर टनल की तरफ, और थोड़ी देर में ही मैं जवाहर टनल पहुंच जाऊंगा होपफुली, क्योंकि मौसम तो यहां पे ख़राब है। कल भी सुना था मैंने, ये बंद था जवाहर टनल, क्यों था ये पता नहीं मेरे को, पर लेट्स सी। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, सुबह पी थी होटल में, वो चाय अच्छी नहीं थी यार, बहुत ज़्यादा वो पकी हुई नहीं होती, एसिडिटी हो जाती है उससे। जैसे ही जवाहर टनल क्रॉस करी, एकदम से मौसम क्लियर, धूप निकल आई, और जवाहर टनल के उधर भैया एकदम घटा हो रखी है और ठंड एकदम। एक पहाड़ी क्रॉस करी, दूसरी तरफ एकदम चकाचक बढ़िया। अब लग रहा है घर दूर नहीं। ये ऑलमोस्ट आखिरी ऑब्स्टिकल था वेदर रिलेटेड, और मतलब लैंडस्लाइड तो कहीं भी हो सकती है, पर कि बर्फ वर्फ ना गिर गई हो यहाँ, क्योंकि हाई पॉइंट है। आप अगर कहीं दिक्कत आ सकती है तो लैंडस्लाइड की वजह से आ सकती है। और कल मेरे को पता चला था किसी के थ्रू कि राममन के आसपास कहीं लैंडस्लाइड है, जिस वजह से वन वे कर रखा है ट्रैफिक।
देख रहे हैं फीस्ट चल रहा है वल्चर्स का, हिमालयन वल्चर्स, बस दे आर बिग। ट्रैफिक जैम, बाप रे कितनी है भाई। रामबन के बाद ये चाय की दुकान, भाई यहाँ पे मैं 7-8 साल पहले भी आया था और 3-4 साल बाद भी आया और आज भी इसी चाय वाले पे हूँ। तो भाई साहब कुछ होता है पुरानी जगहों पे ना, ऐसी जगह आते हो तो एकदम से याद आ जाता है। अच्छा सा एक छोटा सा ब्रेक हो गया, ऑमलेट खाया, बन थे लोकल बने हुए, दोल वो लपेटे, फिर अपना चाय वाय पी। तो यहाँ पे आई होप कि शायद अगले साल तक थोड़ी रोड कोई काम तो चल रहा है 4-लेनिंग का, पर आई डोंट नो कि इतना तेज़ चल रहा है कि अगले साल तक हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट, वरना रोड बहुत ख़राब है टनल के बाद से लेके इवन टिल उधमपुर तक ही रोड ख़राब है। मतलब अभी जो आप देख रहे हो ये छोटा सा पैच है जो ठीक है, वरना क्या पॉट होल्स हैं, गड्ढे हैं और ट्रैफिक इतना गंदा है पूछो मत भाई। ट्रक वाले आप तो जान से मारने को घूम रहे हैं, मतलब सीरियसली ओवरटेकिंग कर रहे हैं ट्रक को, काफ़ी देखे मैंने, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे वो ओवरटेकिंग कर रहा है तो वो कमिट कर चुका है ओवरटेकिंग में, फिर वो डबल माइंड हो जाते हैं और पीछे नहीं हटते और मेरे को बिल्कुल बाइक कोने में बचानी पड़ती है। कभी कभी तो वो मतलब अंदर कर लेते हैं ट्रक, पर कभी कभी इट्स टू लेट, दे ऑलरेडी कमिट द ओवरटेक। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा, अगर आप इस रास्ते पे हो तो भाई थोड़ा ध्यान रखें ट्रैफिक को, ट्रैफिक थोड़ा सा डेंजरस है। देख लो गाइस ट्रैफिक, सब घुस रहे हैं भैंस की आँख सबको, देख रहे हो आप। थोड़ा सा इधर हो जाते पठानकोट 20-25 किलोमीटर रह गए, रोड एकदम चकाचक हो गई उधमपुर के बाद से, और बस अभी डिसाइडेड नहीं है मैं कहाँ रुकूँगा रात को। सो अभी पठानकोट जाके थोड़ा सा सोचता हूँ, दिमाग में चल तो रही हैं 2-3 चीज़ें, पर नॉट श्योर अभी, कहीं ना कहीं ऐसा मन कर रहा है कि घर ही खींच दूँ। यस, पर आई हैव टू सी कैलकुलेट द टाइम, कितने बजे पहुँचूँगा, कितनी लंबी जर्नी बची है, या फिर बीच में जलंधर है लुधियाना है, दो चीज़ जगह हैं। सो पठानकोट तो मैं सोच रहा हूँ ना ही रुकूँ, अभी टाइम है मेरे पास, कल के लिए कम हो जाएगा थोड़ा डिस्टेंस। वही चल रहा है अभी दिमाग में कि क्या करना है। राइड ऑन एयर जो सीट कुशन है वो मैं यूज़ करता हूँ राइड से, सीरियसली यार बहुत फ़र्क पड़ता है बहुत। उसका रिव्यू आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पे ज़रूर उसका रिव्यू देखें,
and it works great, man, really. क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा, आगे जाम लगा हुआ है, इस वजह से लोग यू टर्न ले रहे हैं. ये बॉर्डर आ रहा है कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर. चलो इसे भी निपटते हैं. राइट में हो रहा है सनसेट, अगर आप देख सको एक सनसेट तो साथ साथ. आई डोंट रिमेम्बर कि हमने इतने दिन जो पीछे हमने साथ साथ निकाले कि उसमें कितने सनसेट थे. छोटा सा ब्रेक एक सबवे पे, बहुत थक गया था यार सुबह से, कुछ प्रॉपरली खाया भी नहीं था. तो सबवे दिख गया जालंधर से करीबन कितने किलोमीटर पहले, 25 किलोमीटर पहले. और आई थिंक मैं आज जालंधर में ही रुकूँगा. तो मैंने आई थिंक क्या मतलब मैंने ऑलरेडी बुक करा दिया होटल, और होटल पहुँच के मैं आपको मिलता हूँ फिर से. करीबन 25 किलोमीटर पहले पेट्रोल पम्प है, उसके पास ही एक सबवे है. बहुत खींची यार आज बाइक, और आपको रास्ता तो इतना ख़राब था, वो तो मैंने आपको दिखाया था. जान हथेली पे रख कर आया हूँ वहाँ पे, बस कैसे वो चला रहे थे लोग. बस अभी एक हॉट शावर की ज़रूरत है होटल पहुँच के, मैं मिलता हूँ आपको होटल. सबवे ऑलवेज द बेस्ट फॉर मी. तो बस अब यहाँ से आई थिंक 30 मिनट दिखा रहा है होटल का, 26 मिनट. काफ़ी खींच लिया आज श्रीनगर से जालंधर. एक बार को तो लगा था घर ही खींच लूँगा, पर मेरे को लगा ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रेस करूं. पर एटलीस्ट मेरे को ये था कि पर इतना था कि कल के लिए थोड़ा कम रहे जितना भी खींच सकूं. तो अभी बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, 7:20 हुए हैं, 7:20. तो वैसे मेरा 8-9 बजे तक का था प्लान, पर अभी जालंधर अच्छा है. मेरा अमृतसरी कुलचे खाने का बहुत मन है, सही बताऊँ तो. मेरा तो दिमाग में ये चल रहा था कि जालंधर पहुँच के होटल लेके कहीं अमृतसरी कुलचे खाऊँगा. बढ़िया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये करीबन एक साल पहले, पिछले साल ही पहली बार प्रॉपर अमृतसरी कुलचे खाए थे अमृतसर में. ओहो, मैंने कहा भाई ये होते हैं अमृतसरी कुलचे, मतलब. उसके बाद में बड़ा फ़ैन हो गया उसका. फ़ैन क्या हो गया, उसके बाद कभी खाए नहीं. दिल्ली में एक दो जगह मिलते हैं, वो बताया वो कहीं मेरे घर से बहुत दूर है, या मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कहीं अच्छे मिलते हो. तो जालंधर में मेरा ये मन था कि अमृतसरी कुलचे खाने भाई, तभी मैंने सबवे में ना यहाँ पे प्रॉपर वो नहीं खाया 6 इंच सब. मैंने तो एक रैप मिलता है यहाँ पे हल्का था, मैंने कहा भाई अभी रैप खा लो, रात को कुलचे पे लेंगे. तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया मैंने, कोई नहीं. थोड़ी थोड़ी सी ना एक्साइटमेंट अपने आप ही कर लेनी चाहिए किसी चीज़ की, तो मज़ा रहता है. अभी मेरे को जैसे कुलचे का एक्साइटमेंट है. हंस मत पगली प्यार हो जाएगा. अरे भाई मत हंसो, क्यों हंस रहे हो? तो गाइस मैं आ गया हूँ होटल मैजेस्टिक ग्रैंड जालंधर, और थोड़ा पता करके आता हूँ यहाँ पे कि बुकिंग वुकिंग हुई है थोड़ा. ये मैजेस्टिक ग्रैंड में रुका था मैं गाइस, हाईवे पे ये दिल्ली के. और करीबन 1,500 का मेरे को रूम पड़ा था, 1,600 रुपये का. और बेस्ट पार्ट है कि हाईवे पे ही है, तो आपको कोई इतना अलग नहीं जाना, स्पेशली अगर आप ट्रांजिट पे हो कि आपको दिल्ली जाना है और रात को रुकना है. तो एक अच्छा होटल है, डिसेंट है, साफ़ सुथरा है, रूम बहुत बड़ा था, सारे एक एमिनिटीज़ जो एक होटल में होती हैं ऑलमोस्ट बेसिक सब थी.
स्टाफ भी अच्छा था, तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस था। गए आज घर वापसी है और बहुत खुश हूँ मैं इस बार इस ट्रिप से, क्योंकि बहुत कुछ सीखा मैंने जो मेरे को लगता था कि मेरे को काफ़ी सीख चुका हूँ मैं, उसमें भी मेरे को काफ़ी सीखने को मिला। आपके बहुत अच्छी अच्छी फुटेज मिली जो मेरे को कभी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, मतलब उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी घर जाऊँगा, कंप्यूटर पे देखूँगा बड़े स्क्रीन पे, फिर निकालता हूँ धीरे धीरे फुटेजेस और वीडियोस निकालता हूँ। थोड़ा सा गाइस टाइम लगेगा, और आई नो कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब ऑलरेडी बहुत सारे निकल चुके होंगे वीडियोस, ऑलमोस्ट ये लास्ट ही चल रहा होगा, पर आई होप यू इन्जॉयड ऑल ऑफ देम। थोड़ा सा लेट निकले होंगे आई एग्री, क्योंकि यार आते ही थोड़ा ऑफिस के काम में लग गया हूँ, छुट्टी लेके गया था भैया, ऑफिस भी तो संभालना है और घर के काम है 10 प्लस। अभी फेस्टिवल टाइम स्टार्ट हो गया है, नवरात्रे स्टार्ट हो गए, तो या घर के और छुट्टी मिली है मेरे को, वाइफ से गो अहेड मिला था, तो भैया अब थोड़े काम करने पड़ेंगे घर के, तो थोड़ा बिजी हो जाऊँगा, इस वजह से सब वीडियोस थोड़े लेट आए होंगे। बाकी अभी 7 घंटे का रास्ता है अप्रॉक्सीमेटली, कल रात को 7:30 के करीब दिखा रहा था, तो आई थिंक रात में थोड़ी सी स्पीड कमी होती है, तो इस समय तो थोड़ा बेटर है दिन में। चलो फिर कुछ अच्छा होता है या कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, और अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई फिर हम घर मिलेंगे, ज़बरदस्ती का उधर उधर दिखा के क्या फ़ायदा आपको, ठीक है, ओके बाय। नाइट KFC, हम आ गए हैं वापस शहरों में पहाड़ों को छोड़ के, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इट, है कि नहीं। चलो भाई थोड़ा सा मैकडी भी लपेट लिया जाए, एंड ऑफ द डे है आज ट्रिप का, सो व्हाई नॉट, नहीं क्या बोलते हो, एक बार तो बनता है यार। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे बार बार बनता है सर, एक बार क्यों। चलो भाई पेट पूजा का टाइम, ये EPE ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो इस पर मैं पहली बार जाऊंगा, अभी तक गया नहीं हूँ। चलो भाई नई रोड पे चढ़ते हैं, कुछ तो नया हुआ। वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ऐसा आर्टिस्टिक डिज़ाइन से एकदम से वैल्यू बढ़ जाती है, एक नॉर्मल सा टोल प्लाजा भी बना सकते थे पर ये क्लासी सा बनाया है। थोड़ा सा साफ सफाई कर लो, बस जंग खा रहा है सब जगह, पर बनाया अच्छा है नो डाउट। अरे टूटा हुआ है यार, वो टूटा हुआ है वो सारा पूरा। और टूटे हुए मैं बोल रहा हूँ, उस लेन से चले जाओ बेवकूफ, वैसे सही तो करा लो। फाइनली होम स्वीट होम, सेफ एंड साउंड घर पहुँच गया मैं, एंड अभी ऊपर चल के आपसे बात करता हूँ, पानी पीता हूँ, थक गया हूँ। एग्जैक्टली 5 घंटे लगे मेरे को जालंधर से घर आने में, सो सुपर्ब राइड। अभी अपने बेटे से मिलूँगा 10 दिन बाद। चलो मिलता हूँ आपसे, ओके बाय।